झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच यूपीए खेमे के कई विधायक रांची से रायपुर शिफ्ट हुए थे। साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी अपडेट आज की बताएंगे कि यूपीए खेमे के तमाम जो विधायक रायपुर शिफ्ट हुए थे वो आज रांची आएंगे, जिसको लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की, जहाँ पे जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर बैरिगेटिंग भी कर दी गई है। चूंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 4 बजे तमाम यूपीए खेमे के विधायक राजधानी रांची पहुंचेंगे। सबसे खास और महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे कि 5 सितंबर को विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई है, जिसको लेकर तमाम यूपीए खेमे के विधायक है वो राजधानी रांची पहुंचेंगे और विधानसभा सत्र में शरीक होंगे। जिसको लेकर सूत्रों की माने तो तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक है वो बिरसा मुंडा एयर पहुंचेंगे और यहाँ से बस से रवाना होंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि झारखंड की सियासत में इन दिनों बेहद हलचल देखने को मिल रही है, जिसको लेकर तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक है वो रायपुर शिफ्ट हुए थे। चूंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने के मामले को लेकर अभी भी ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उधर आपको बता देंगे कि राज्यपाल रमेश बैस फिलहाल दिल्ली दौरे में, हालांकि अगर राजभवन की मानेंगे तो वहां पर बताया जा रहा है कि निजी कार्य से राज्यपाल दिल्ली गए हैं, लेकिन राजनीतिक चश्मे को भी देखा जा रहा है कि आखिर वो दिल्ली क्यों गए हुए हैं। चूंकि फिलहाल तमाम लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ राजभवन में टिकी हुई है और ऐसे में जब यूपीए खेमे के कई विधायक और सांसद राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और तमाम जो विधायक है सांसद है उन्होंने राज्यपाल से आग्रह भी किया था कि जल्द से जल्द तमाम चीजों को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, स्थिति को स्पष्ट की जाए। हालांकि आपको बता देंगे कि राज्यपाल रमेश बैस ने कहा था कि जल्द से जल्द तमाम जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में जरूर आएगी। हालांकि कल विधानसभा का विशेष सत्र है, इसको लेकर तमाम यूपीए खेमे के विधायक आज राजधानी रांची पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच आप सभी लोगों ने देखा होगा कि राज्य के 5 मंत्री रायपुर से राजधानी रांची वापस लौटे थे, चूंकि कैबिनेट की बैठक 1 सितंबर को रखी गई थी, लेकिन उसके बाद कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद दूसरे दिन ही बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख एक बार फिर से रायपुर की ओर रवाना हो गए थे। और आज आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर बैरिगेटिंग कर दी गई है। कहा जा रहा है 4 बजे तक तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक है वो राजधानी रांची पहुंचेंगे। चूंकि कुछ दिन पहले से ही तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक है वो रायपुर में है और विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई है, जिसको लेकर तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक है वो राजधानी रांची आज पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे बैरिगेटिंग कर दी गई है, जवानों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है, बस थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लग जाएगी। चूंकि तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ से बस में बैठकर रवाना होंगे। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 स्कोप रांची।